गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय थिन कॉनकेव लेंस। इमेज जब हम ड्रा करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉनकेव लेंस के अंदर, तो उसके कुछ रूल्स हैं। जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हम कॉनकेव लेंस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रा करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो लिखा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई थिन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर जब इमेज हम फॉर्म होती है तो उसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल सेम वही है, सपोज दैट ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये लेंस आपको दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट जो है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फर्स्ट रूल यही है, एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट हम डालते हैं लेंस के ऊपर, एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द लेंस विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल जो है जब हम लेंस पे डालते हैं तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट ये लेंस डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। लाइट इधर डाइवर्ज हो गया, ठीक है। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव लेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट डाइवर्जेस बट अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट which is known as principal focus, ये ठीक है। यदि एक्सिस के आप पैरेलल डालोगे इस प्रकार से लाइट डाइवर्ज होगी, बट वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। फर्स्ट रूल यही है। सेकंड रूल इसमें यही है कि ये लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस आपको दिया हुआ है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से यदि हम रे ऑफ लाइट हम पास करते हैं तो उसमें डेविएशन नहीं होता, उस रे ऑफ लाइट में डेविएशन नहीं होता, वो रे ऑफ लाइट क्या होगी आपकी सीधी जाएगी। पीछे बताया था कॉनवेक्स लेंस है, उसके अंदर भी रेज ऑफ लाइट में आपका डाइवर्जन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रे क्या होगी सीधी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दो रूल्स हैं, इसी का हम आगे यूज करेंगे जब इसके अंदर हम इमेज ड्रा करते हैं, ठीक है। दो ही रूल बताई मैंने, एक तो बताया एक्सिस के पैरेलल रे डालोगे रे डाइवर्ज होगी, वो डाइवर्ज रे जो है आपको ऐसा लगता है फोकस से आ रही होगी, ठीक है। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से आप रे पास करोगे उसमें डाइवर्जन नहीं होगा। अब इसकी इमेज ड्रा करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय थिन कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय थिन कॉनवेक्स लेंस, सॉरी थिन कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय थिन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज जो है दो अलग अलग कंडीशंस लेते हैं इसके अंदर, एक तो लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, यदि ऑब्जेक्ट जो है आप इन्फिनिटी पे लाई करें कॉनकेव लेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट जो है यदि आप इन्फिनिटी पे लाई करेगा तो उसकी इमेज जो है कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी वो हम ड्रा करते हैं। ये आपका है लेंस, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस लाइन बोलते हैं इसको,
ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब मैं ये रे ऑफ लाइट, अब इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ऑब्जेक्ट इसका मतलब आपका कहां पे होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से दिखाई दे रही है आपको आते ही, मींस ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी के ऊपर है। अब जैसे ही कॉनकेव लेंस के ऊपर, डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर लाइट गिरती है, लाइट डाइवर्ज करता है, इधर जाएगी लाइट, ये लाइट रे जो है आप किधर जाएगी, बट इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है आपको फोकस से आते हुए दिखाई देगी। सीधी होनी चाहिए लाइन पे, ठीक है, ये पॉइंट आपका फोकस ही होगा, एफ पॉइंट, ठीक है। लाइट डाइवर्ज करेगी, इधर जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड इधर जाएगी, दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस से आती दिखाई दे रही है, फोकस निकलती दिखाई दे रही है इस पॉइंट के ऊपर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बनेगी उसकी, फोकस पे, इमेज का नेचर कैसा होगा, दोनों दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, इसका मतलब इमेज कैसे होगी, वर्चुअल काल्पनिक होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी हमेशा उस केस में कैसी होती है, इरेक्ट होगी आपकी, कैसी होगी, इरेक्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन सीधी होगी, वर्चुअल होती इरेक्टिंग होगी और छोटी बनती है, एंड डिमिनिश्ड एक पॉइंट के फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये था इसका पहले ऑब्जेक्ट जो है, यदि आप इंफिनिटी लाई जाएगा तो इसकी इमेज फोकस से बनेगी, और कैसे होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड इसके अंदर आता है दूसरा, ये एक दूसरा इसके अंदर आता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको कुछ भी दे रखी हो, वाट एवर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इंफिनिटी, ये कह सकते हो आप, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी दे रखी हो, वॉट एवर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। जैसे हम ड्रा कर रहे हैं इसकी इमेज, ये हम लेंस हमने लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब मैंने मान लो ऑब्जेक्ट ये लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक रे ऑफ लाइट एक्सिस के पैरेलल डालो, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होगा, डाइवर्ज होगी लाइट, इधर जाएगी, एक्सिस के पैरेलल है ये रे, आपको कहां से आते हुए दिखाई देगी, फोकस से आते हुए दिखाई देगी आपको, एफ वन हो गई, और अनदर रे ऑफ लाइट आप डालो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से रे क्या होगी, सीधी जाएगी, एक रे आपकी
अलोंग डी की जा रही है और एक आपकी मान लो इधर जा रही है ओ जी के अलोंग जा रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही, पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही, मीट कर रही इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इमेज बनेगी यहां पर, ये इमेज होगी इसकी, दिस इज ए डैश और ये होगा आपका इसका बी डैश। ठीक है, दोनों रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रही ए डैश पे, ए डैश बी डैश जो है इमेज कहां बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी इमेज। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर आप कह सकते हैं वर्चुअल, इरेक्ट सीधी होगी एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इमेज। और एक्चुअली यदि रे मिल रही है तो उस केस में रियल इमेज होती है, और ऐसा लगता भाई इस पॉइंट पे ऐसा इस दो रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट से निकल रही है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। इस केस में ये आपकी इमेज का नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज आपकी बनेगी। कॉन्केव लेंस के अंदर व्हाट एवर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये थे इसके अंदर इस दो इमेज बनती है, इसके अंदर एक इन्फिनिटी व्यू का ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये था आपका, इसके बाद में आपका आता है लेंस फॉर्मूला। इससे पहले हम साइन कॉन्वेंशन पढ़ लेते हैं, पिछले भी मिरर को पढ़े थे वही लगभग है आपके हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कॉन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कॉन्वेंशन लगभग वही से सारे आपके, जैसे मान लो हम लेंस की बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, साइन कॉन्वेंशन का मतलब बताया था हमने पीछे, जैसे मान लो ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर लिया होगा, ये ऑब्जेक्ट है मान लो आपका ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हाइट कैसी है, अपवर्ड हाइट बताया था मैंने, अपवर्ड हाइट ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड हाइट हमेशा किसमें होगी पॉजिटिव में, और ये मान लो इसकी इमेज ये बन रही है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश इमेज है, इसकी हाइट डाउनवर्ड हाइट है, डाउनवर्ड हाइट जो होगी, डाउनवर्ड हाइट वो नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड हाइट कैसे होती है नेगेटिव, इधर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिधर हम लाइट डाल रखी है वो उधर लाइट हमेशा पॉजिटिव आएगी, अपोजिट टू, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो नेगेटिव होगी, मतलब ये हुआ हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किधर, जिधर लाइट डाल रखी उसे अपोजिट साइड में, तो वो हमेशा किसमें होगा नेगेटिव होगा, जिधर लाइट डाल रखी उधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव में होगा। अब मैं इसको बता रहा हूँ पॉइंट से अकॉर्डिंग, देर आर थ्री रूल्स फॉर साइन कॉन्वेंशन, तीन रूल्स हैं साइन कॉन्वेंशन की। फर्स्ट तो है ओल्ड डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना होगा
ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। जो भी डिस्टेंस आपको यदि याद मेजर करना है वो आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। सेकंड, डिस्टेंस मेजर्ड मिरर वाले पॉइंट्स हैं सिमिलरिटी पे समान, लेंस मिरर था यहां लेंस आ जाएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। यदि हमें डिस्टेंस मेजर करना है जिधर लाइट डाल रखी है, एंड डिस्टेंस मेजर एंड द डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो किसमें आएगा, वो नेगेटिव आएगा, आर नेगेटिव। यदि हमें डिस्टेंस मेजर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, जिधर लाइट डाल रखी है उधर डिस्टेंस मान, इधर से लाइट क्यों डाल रखी है, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और ऐसे डिस्टेंस मेजर करोगे वो किसमें आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। थर्ड, अफवर्ड हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। कितने ले जाता हूँ शॉर्ट में, अफवर्ड हाइट यदि आपको मेजर करनी है, अफवर्ड हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड हाइट जो होगी, डाउनवर्ड हाइट वो हमेशा जिसमें आएगी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, एक बात और कह सकते हो, फोकल लेंथ पीछे बताया था मैंने, फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव में होगी क्योंकि इधर फोकस इसका इधर होता है रिफ्लेक्शन के बाद वाला हो, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की जो होती है वो पॉजिटिव में होगी और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ वो हमेशा किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी, वो हम डायग्राम से बता देंगे आगे। मेनली ये आपके देर आर थ्री रूल्स फॉर साइन कॉन्वेंशन, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। सेकंड, जिधर हम लाइट डाल रखी है उधर डिस्टेंस मेजर करना है तो वो आपको पॉजिटिव में आएगा, और डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जिस लाइट है वो आपको नेगेटिव आ जाएगा। अफवर्ड हाइट मेजर करनी है पॉजिटिव में और डाउनवर्ड हाइट किसमें आएगी आपकी, नेगेटिव में आपकी आएगी। ठीक है, देखिए इसकी थ्री रूल्स, फोर रूल्स फॉर साइन कॉन्वेंशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपका आता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ 1 by f is equal to होता है 1 by v minus 1 by u। मिरर फॉर्मूले में सब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव में u भी पॉजिटिव में होता है। f आप जानते हो दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, v जो है इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। v क्या है यहां पर, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
लेंस फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। तो लेंस फॉर्मूला ये होता है मिरर पर नहीं पॉजिटिव, ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है यू, वो आपका नेगेटिव आता है लेंस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। बाकी इसका डेरिवेशन प्रूव नहीं करना आपको, यही पता होना चाहिए। अब इसके अंदर आता है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इससे भी करवाया तो सेम ही मिरर वाले लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, लेंस इज मैग्निफिकेशन जो है लेंस का जो होता है और मिरर का सेम ही होता है। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट तो एम से करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज को हम एस टू ले लेते हैं, ठीक है, या इसको हम ए डैश बी डैश कर सकते हो, ठीक है। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एस वन इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है आपको निकालना है लेंस का रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या वी कैन सी दैट रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, वो डिपेंड करता है रे डायग्राम के ऊपर। यदि इफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, यदि ऑब्जेक्ट की इमेज रियल और इन्वर्टेड है देन मैग्निफिकेशन जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन जो है वो आपका किसमें आएगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। क्यों, सिंपल एक डायग्राम से बता रहा हूं। जैसे मान लो इसमें रियल इमेज बन रही है, ये एक लेंस लिया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट एफ वन लिया हुआ है और ये एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है टू एफ वन पॉइंट ले रखी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट टू एफ वन पे लिया हुआ है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया ए पी, एक्सिस के पैर डालोगे पास कहां से होगी फोकस से, और सेकेंड रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी मान लो, तो दोनों रे एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो मान लो ये आपकी 2f2 पे मिल रही है, 2f2 पे मिलती है सेम साइज होता है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब इस केस में इमेज आपकी जानते हो रियल इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज है ना, इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। कैसे, ये तो h1 हो गया और ये क्या हो गया आपका h2, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है साइज ऑफ इमेज h2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1, और ये बराबर ही होता है इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज जो है डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ए डैश बी डैश ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, तो ये आपका v होगा, और h1 जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको हम u भी ले सकते हैं, ये हम लेके चलते हैं h2 को h1 बराबर v बाई u। अब लगाएंगे हम इसमें साइन कॉन्वेंशन, अब डाउनवर्ड हाइट है, डाउनवर्ड हाइट किसमें बताया था मैंने नेगेटिव में, नेगेटिव आएगा, अपवर्ड हाइट हमेशा किसमें होती है पॉजिटिव में। अब v की बात करते हैं, v ये v है, दिस इज v, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और लाइट भी हमने ऐसे डाल रखी है, इधर डिस्टेंस किसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा, और यू ये है, लाइट हमने ऐसे डाल रखी है और डिस्टेंस यू मेजर कर रहे हैं हम ये वाला ऑब्जेक्ट का, तो इसका लॉजिक नेगेटिव में आएगा। ये मैग्निफिकेशन एक बात बता रहा हूं,
हमेशा डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। यदि हाइट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ही मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इस केस में मैग्निफिकेशन आपका इस पर डिपेंड है, ये नहीं नेगेटिव नेगेटिव काट दिया, इस पर डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर। नेगेटिव है इसका मैग्निफिकेशन जो है इसका आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, पहला मैंने ये बताया यदि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो इसका मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होगा। दूसरे केस की बात करते हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल इरेक्ट देन मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। यदि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बन रही हो, वर्चुअल और इरेक्ट, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। कैसे, ऐसे मान लो लेंस लिया हमने, कॉनकेव लेंस लिया, कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज आप जानते ही हो कैसे बनती है, आप वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ये एक ऑब्जेक्ट लिया मान लो ए बी, एच वन हाइट है इसकी, रे डालोगे लाइट डाइवर्ज करेगा और ये फोकस से आती दिखाई देगी, एफ वन होगा आपका। अनदर ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हो तो सीधी जाती है, ये इमेज आपकी बनेगी। दिस इज ए डैश और ये बी डैश, इसको एस टू ले लिया हमने, तो मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, साइज ऑफ इमेज एस टू, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच वन, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एस टू अपवर्ड हाइट है, ऊपर की तरफ ये तो पॉजिटिव में आएगा, एस वन भी पॉजिटिव में, और वी वी भी इधर नेगेटिव, इधर ही लेफ्ट, इधर डिस्टेंस में करोगे दोनों, इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा और इमेज ये, तो इन दोनों नेगेटिव में आएंगे आप, तो इससे कट जाएगा। मैग्निफिकेशन वैसे भी एस टू एस वन पर डिपेंड कर रहे हैं, वी पॉजिटिव में है, यहां से मिल गएगी मैग्निफिकेशन जो है वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा किसमें आएगा आपका, पॉजिटिव में आपका आएगा। ठीक है, तो ये था मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंसेज। ठीक है, अभी इसमें पावर ऑफ लेंस बचा है और इसके न्यूमेरिकल्स, फिर चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स।